इस गांव के लिए ये केस बहुत जरूरी है। मेरा ये दावा है दस साहब की, इस तरह के लोगों का समाज में घूमना समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हमारे हाथ में सिर्फ छोटी मछलियां, असली गुनहगार तो अभी भी खुलेआम आजाद हो। चारों को अंदर भेजो जल्दी। ऐसी बात है कि आप लोग सब एक दूसरे से परिचित होंगे। मधोक साहब, गांव में तो सब एक दूसरे को देखते ही हैं। हाँ, और हमारे बाबा जी को कौन नहीं पहचान। अब कोई हमको जाने तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आपका कोई कसूर होता कहाँ है बाबा? देखो भाइयों, बड़ी सरल सी बात है, जो को जानते हो सच सच बता दो, ना बाबा जी की बड़ी कड़वी कड़वी दवाइयां खाना। सही कह रहे हैं मधोक साहब, जो जानते हो सही सही बता दो। अबे अपने बारे में नहीं, कम से कम अपने परिवार वालों के बारे में तो सोचो। है? सही तो है, क्या खामी है इनके अंदर बताओ? आप तो खामेगा बाबा, सिक्के की तरह याददाश्त होगी इनकी, कभी चित तो कभी पट। इन्होंने अड्डे पर सबके सामने, गवाहों के भी सामने ऐलान किया था कि ये आपके आदमी। झूठ है ये, एकदम एकदम झूठ। काश ऐसा होता बाबा, काश। मगर इन्होंने तो आपके चरित्र पर दाग लगा दिए। अगर ये सच निकला तो अड्डे पर इन्होंने कहा था कि शौचालय इन्हीं ने तोड़े, थाने आके भूल गए। बताइए मधोक साहब, आप शराबियों का कहा मानोगे, इनकी सुनोगे? अरे नहीं बाबा, तभी तो आपकी मदद मांग रहा हूं। क्या आपके पास कोई ऐसी दवाई जड़ी बूटी हो? कम से कम पता तो चले कि सच क्या है और झूठ क्या। मधोक साहब, हमारी जो जड़ी बूटियां है ना, वो याददाश्त वापस लेके आती है, सच झूठ का पता नहीं बताती। मामला बड़ा विचित्र हो गया बाबा, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इन्होंने अड्डे पे जो कहा अगर वो सच है तो आप आरोपी हैं ही, और अगर इन्होंने थाने में जो कहा अगर वो भी सच मान ले तब भी आपका केस में नाम आता है। मधोक साहब एक बात बताऊं, मेरा इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, यकीन ना हो तो आप इनसे पूछो। अरे बाबा, हम कौन होते हैं पूछने वाले? इन लोगों से जो भी पूछेगी माननीय अदालत पूछेगी, लेकिन वहां ये क्या कहेंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते बाबा। तो उसके लिए हम जड़ी बूटी भी जमा देंगे। बड़ी मेहरबानी होगी आप। देख ली इस आदमी की सच्चाई, सोच लो अब भी इस आदमी के लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? हमें तो नहीं लगता। और सोचो, ले जाओ इनको।
Yes. May I? Oh, please come in. अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया तो सॉरी. आशिमा मित्तल. Hi. Welcome to UN Associates. आपको पता है टाइम पास करना क्या होता है? लॉन्ग ड्राइव पर जाना, उसके बाद कैंडल लाइट डिनर करना, उसके बाद वगैरह वगैरह. मुझे आप में दिलचस्पी. देखो, जब से तुम आई हो ना, ऑफिस का माहौल ही बदल गया है. यू नो, ऑफिस में सब लोग तुम्हें देखकर काफी खुश हो जाते हैं. मुझे नहीं पता था कि प्यार और धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. प्यार करोगे तो घाव मिलेगा, संबंध बनाओगे तो सुकून मिलेगा. तुम क्या करना चाहती हो? संबंध. एक ऐसा संबंध जिसका कोई अतीत ना हो, आने वाले कल की परवाह ना हो, सिर्फ आज, आज का जज्बा, आज की सच्चाई, आज का आलिंगन. क्या चाहती हो तुम? मैं आपको चाहती हूं. All the best. Thank you. स्नेहा, आज सिर्फ जमानत के लिए ही सुनवाई है और हमारे हाथ में सिर्फ छोटी मछलियां हैं. असली गुनहगार तो अभी भी खुलेआम आजाद घूम रहे हैं. अरे, ये मुस्कुराहट कहां से आई? दिल से. मुंबई शहर का इतना बड़ा वकील जो हर केस में लाखों रुपए कमा रहा है, छोटे से गांव की तकलीफों को देखकर इतना परेशान हो रहा है. तुम्हारा ये पहलू पहले कभी नहीं देखा. रास्ता तुम्हें ने दिखाया स्नेहा. यहाँ पर आकर मुझे एक मकसद मिल गया है. जो गरीब है, मजबूर है, सबसे पहले इंसाफ उन्हीं को मिलना चाहिए. भले ही तुम्हारा काम धंधा चौपट क्यों ना हो जाए. गांधी जी ने कहा है कि मकसद ढूंढो, साधन अपने आप जुट जाएगा. बस गांधी जी को यह नहीं पता था कि इसमें सबसे बड़ा फायदा तो मेरा हो, तुम्हारा साथ जो मिल रहा है. अब स्नेहा, एक मिनट, कोई अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं तुम्हें हियरिंग के बाद फोन करता हूँ. ओके ओके. हाँ शिवा.
अर्जुन, आबरू की हियरिंग है परसों, तुम्हारे बगैर काम नहीं होगा। देखो आशिमा, अब ऑफिस की सारी जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। जैसा तुम कहो। मुंबई में जो 2-3 केसेस हैं, मैं उन्हें पूरा करके अपना ज्यादातर वक्त प्रतापपुर में ही बिताऊंगा। मगर कुछ काम ऐसे भी हैं अर्जुन, जो तुम्हारे बगैर हो ही नहीं सकते। कैसे काम? आओगे तो जानोगे, तुम्हारे बगैर क्या हाल है यहाँ। कहना क्या चाह रही हो आशिमा? भाई, जो हर बार तुम समझने से इनकार करते हो। आशिमा, मेरी एक बेल की हियरिंग है, तो मैं तुमसे अगर बाद में बात करूं तो चलेगा? साहब, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, बेल नॉट जेल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अपराधियों को बेल मिलनी चाहिए। अदालत को कानून सिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात कहिए। जज साहब, मेरे मुवक्किलों पर मामूली तोड़फोड़ का इल्जाम है, यह कोई संगीन जुर्म नहीं है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इन्हें बेल पर छोड़ दिया जाए। आपको कोई एतराज है? बेशक है सर। इन चारों ने गांव वालों की मेहनत से बनाए गए टॉयलेट को बेवजह तोड़ दिया। इसका कोई सबूत नहीं है और ना ही इसका इस केस से कोई ताल्लुक है। ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन चारों में से किसी एक ने शराब पीकर शराब खाने में रिवॉल्वर से फायर किया है। किसके आदमी को पता है क्या? और इसके गवाह और सबूत दोनों मेरे पास है। FIR में क्या आपके गवाहों के नाम भी मौजूद है? जी हाँ जज साहब, उनके नाम भी FIR में दर्ज है, और जो रिवॉल्वर मिली है उसका लाइसेंस भी नहीं। मेरा ये दावा है जज साहब कि इस तरह के लोगों का समाज में घूमना समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मेरी अदालत से दरखास्त है कि जब तक इस केस की सुनवाई चल रही है तब तक इन्हें हिरासत में रखा जाए तो ही बेहतर होगा। That's all, my lord. इस अदालत को इस बात की सख्त नाराजगी है कि पूरे गांव को खतरे में डालने वाली इस घटना को मामूली तोड़फोड़ का रूप दिया जा रहा है। हमें इस बात का इल्म है कि कुछ तत्व समाज के ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे गांव कस्बों में बीमारी रहे, क्योंकि उनका फायदा उसी में है, उनकी कमाई का जरिया ही वही है। लेकिन मैं उनको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अब आगे ऐसा नहीं चलेगा। लिहाजा ये अदालत इन चारों आरोपियों की जमानत की अर्जी को नामंजूर करती है। The court is adjourned. दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। और मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी की और आपकी सेवा में। आज गांव वालों को हम ऐसी 3 महिलाओं से मिलाएंगे जो सिनेमा की तो नहीं असल जिंदगी की हीरो हैं। सरला, गुणवंती जी और फूल कुमारी जी। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं 18 साल की लड़की सरला से, जिसने अपने बल पर पूरे गांव में क्रांति फैला दी। सरला, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते मन्ना भैया, नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, जीती रहो, शाम से जीती रहो। सरला, हमें बताओ कि 48 घंटे तक आपने भूख हड़ताल क्यों की? ना कुछ बोला, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया। क्योंकि हमारे घर में शौचालय नहीं था और हमें खुले में शौच करने से बैर है। समझती हूँ बेटा,
लेकिन बैर ही क्यों? बुआ जी शर्म भी आती थी और डर भी लगता था, लड़के ताने भी मारते थे। सरला घबराओ मत, बोलो बोलो। औरत होना ही पाप है ऐसा मुझे लगने लगा, और एक शौचालय के लिए मैं हर एक ऐरे गैरे नत्थु खैरे की मोहताज क्यों बनूं? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, फिर क्या हुआ? सारे गांव को एहसास हुआ कि शौचालय का होना सहूलियत ही नहीं जरूरत भी है। शौचालय में न मक्खी का खतरा है और न मैल का। सुना गांव वालों, इसलिए सोचो नहीं सोचो। हमारी इस बिटिया ने तो बोल दिया, और भी कई ऐसी बेटियां आगे आएंगी जो शौचालय की मांग रखेंगी, और इससे हमारे सारे गांव की सेहत को फायदा मिलेगा। बिल्कुल, और बुआ जी अच्छी बात यह है कि सरला के गांव वालों ने उसकी बात को समझा और बहुत जल्द स्वच्छता को खुले मन से अपनाया। इसलिए मैं कहूंगी जिनके घर में जवान बेटियां हैं खास तौर से, वो समझ लें कि घर में शौचालय होने से महिला के मन में बसा हुआ डर गायब हो जाता है, लेकिन इसके विपरीत खुले में शौच करने से महिलाएं जब ये कर रही होती हैं उनके मन में डरावने विचार आते हैं। वाह बुआ जी, ये कड़वी और सच्ची बात आप ही कह सकती हैं। सोचते तो सब है मुन्ना, लेकिन बोलने में बुराई ही क्या है। चलिए अब मिलते हैं सब्जी बेचने वाली गुणवंती जी से। तो नमस्कार गुणवंती जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। तो अपना कमाल अपनी ही जुबानी सुनाइए आप। हम ऐसन घर में 1 किलो टमाटर मुफ्त में देते हैं जिनमें शौचालय बने हों। वाह, इसे कहते हैं एक पंथ दो काज, नो कब्जी फ्री सब्जी। नो कब्जी क्या मुन्ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो अब मिलते हैं पीलू गांव की फूल कुमारी जी से। स्वागत है हमारे प्रोग्राम में फूल कुमारी जी। नमस्ते भाई जी। नमस्ते मुन्ना। नमस्ते। अरे गंगू, बेटा सुन रहा है का रे? सुनिए सुनिए सुनिए, हम माइक जी को आपके पास ही ले आते हैं, अब बोलिए। गंगू सुन रहा है का बेटा? रेडियो तो बजा है। हाँ 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 हाँ, अरे गंजू ही क्या, अरे पूरा गांव सुन रहा है आपकी आवाज का। ये वो हम ना अपने गांव में प्राइमरी स्कूल में खाना पकाते हैं, तो जब हमारे गांव में शौचालय बन रहा था तो ना हमारे घर में पैसा कम पड़ गया, तो हमने अपना मंगलसूत्र बेच के और पैसा पूरा किया था बुआ जी, पर बहुत लोगों को हमारी बात अच्छी नहीं लगी थी। उनसे मैं कहूंगी कि खुद की फजीहत सारे गांव को नसीहत। भाई मंगलसूत्र क्या है? एक पति द्वारा दिया गया पत्नी को सुरक्षा का प्रतीक है, और फूल कुमारी जी ने वही सुरक्षा के प्रतीक को सुरक्षा का कवच बना लिया। बल्कि मैं तो साधुवाद दूंगी ऐसी महिला को जिन्होंने अपनी मर्यादा को गहने से ज्यादा कीमती समझा है। और धन्य है वो सारी महिलाएं जो शौचालय और मर्यादा के संबंध को पहचानती हैं। वाह वाह, तो सुना गांव वालों, ये है हमारे गांव का नया चलन, इससे मर्द भी सीखेंगे औरतों का देख के उदाहरण। बिल्कुल, खोखले रिवाज वहमी बातें जब यहाँ से भागेंगी, महिलाएं अपनी मर्यादा को पहचानेंगी। वाह वाह, क्या बात कही है मुन्ना। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों आप सुन रहे थे प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जवानी। मतलब मतलब क्या रे, तीसरा भी शुरू हो रहा है? हाँ लगा रहे हैं। जमानत नहीं मिली। अरे आप टेंशन कहाँ ले रहे हैं बाबा, पुराने चावल हैं अपने लौंडे, मुंह नहीं खोलेंगे। दिगंबर वो जमाना और था जब तुम पुलिस वाले थे, संभाल लेते थे चीजों को, लेकिन ये जो मधोक है ना, ये ऊपर से जितना मीठा मीठा बनता है ना, उतना ही अंदर से 10 गुना चालाक है ये। वो तो ठीक है बाबा, मगर फिलहाल हम कर भी क्या सकते। वही सोच रहा हूं कि क्या कर सकते हैं। आज हमने सरला, फूल कुमारी और गुणवंती की कहानियां सुनी। हम
बहुत खुश हुए, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं है, सच्चाइयां हैं। इतिहास गवाह है, कई बार एक छोटा सा बदलाव एक बड़ी क्रांति बन जाता है। हर घर में शौचालय का होना भी इसी बात का एक चमकता उदाहरण है, क्योंकि शौचालय का संबंध सिर्फ स्वच्छता से नहीं, एक मानसिक आज़ादी से भी है। हमारे बच्चों पर भी इसका फायदेमंद असर होता है। छोटी उम्र में ही उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच के अटूट रिश्ते की सीख मिलती है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि इस आत्मविश्वास, इस आज़ादी का एहसास हम सारे गाँव को दिलाएं? आप ये सोचते रहिए और देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ, मैं ये भी मैं वो भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर।